हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर जोन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लेक्चर नंबर 6 की, जिसमें हम बात करेंगे किंगडम प्लांटी की। किंगडम प्लांटी जो होता है, किंगडम प्लांटी के अंदर आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, सभी ऑर्गेनिज्म, अगर हम किसको छोड़ दें, मोनेरा को, तो मोनेरा को छोड़कर सभी ऑर्गेनिज्म जितने होते हैं वो सब यूकैरियोट्स होते हैं, चाहे वो प्रोटिस्टा हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे प्लांटी हो, चाहे एनिमिलिया हो। तो इन सब ग्रुप के अंदर आने वाले ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट होते हैं। आपको याद रखना है प्रोकैरियोट कौन होते हैं, केवल और केवल मोनेरन्स, ठीक है ना, जो मोनेरा के अंदर आते हैं। क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये। प्लांटी के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। सेल वॉल इनकी सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो पहले आपने पढ़ा है फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी हुई थी, काइटिन की, ठीक है ना। मोनेरा की सेल वॉल किसकी बनी हुई थी, पेप्टिडोग्लाइकन की। तो इसी तरीके से प्लांटी की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर आपको कैसा मिलेगा, या तो आपको टिश्यूज देखने को मिलेंगे, जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, लोअर प्लांट्स आएंगे उनके अंदर टिश्यू सिस्टम, और जो हाईली डेवलप्ड प्लांट्स होते हैं उनके अंदर आपको ऑर्गन टाइप सिस्टम देखने को मिलेगा। तो आपको टिश्यू या ऑर्गन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऑटोट्रॉफिक होते हैं प्लांट्स, मतलब अपना ये फूड खुद से बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस करके। बट सम प्लांट्स, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो पार्शियल हेटरोट्रॉप्स है, मतलब वो बाहर से भी खुद से अपना न्यूट्रिशन नहीं बनाते, बाहर से भी ये डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट, आपको याद रखना है पार्शियल हेटरोट्रोप का एग्जांपल है एक ये इंसेक्टिवोरस प्लांट। एग्जांपल क्या है इसका, वीनस फ्लाई ट्रैप मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है, ये याद रखना है, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड ब्लैडर वॉल्ट, ये एग्जाम्पल है जो कि पार्शियल हेटरोट्रोप है। तो ये प्लांट्स एक्चुअली में करते क्या है, ये प्लांट्स वहां पर पाए जाते हैं जहां पर सोयल के अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट कम होता है, और ये इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है ना, उनको ट्रैप करते हैं, और इंसेक्ट्स के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा उस नाइट्रोजन का ये यूज कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं, ठीक है ना। वीनस फ्लाई ट्रैप और ब्लैडर वॉल्ट, ये दो एग्जाम्पल है मोस्ट इंपोर्टेंट इंसेक्टिवोरस प्लांट के। दूसरा पार्शियल हेटरोट्रोप का एग्जांपल है कस्कुटा। तो कस्कुटा एक पैरासाइट प्लांट होता है, ये भी अपना न्यूट्रिशन दूसरे प्लांट से लेता है, ठीक है ना, कस्कुटा एक पैरासिटिक प्लांट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर इनकी हम लाइफ साइकिल की बात करें, तो लाइफ साइकिल प्लांट की दो फेजेस में होती है। एक होती है डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक, जो डिप्लॉइड कंडीशन होती है प्लांट्स के अंदर उसको हम स्पोरो फाइट कहते हैं, मतलब जो प्लांट बॉडी होगी वो डिप्लोइड होगी। एंड हैप्लोइड, जो हैप्लोइड प्लांट बॉडी होती है उसको हम गैमेटोफाइट कहते हैं, और स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में और गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट्स की के अंदर पाया जाता है। इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, प्लांट किंगडम के अंदर ये आएगा डिटेल में, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होगा, किस तरीके से ये होता है, ये हम वहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्लांटी के अंदर कौन कौन से आपके ग्रुप आते हैं, तो एल्गी, ठीक है ना, एल्गी प्लांटी के अंदर आती है, और ये सबसे प्रिमिटिव प्लांट माने जाते हैं एल्गी। उनसे ज्यादा जो डेवलप प्लांट है जो उनके बाद आए धरती के ऊपर, ब्रायोफाइट्स, फिर उनके बाद जो आए हैं उनको कहते हैं टेरिडोफाइट, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, और उसके बाद एंजियोस्पर्म। तो ये एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब प्लांट्स हैं। और जैसे जैसे हम आगे की तरफ चल रहे हैं एल्गी से एंजियोस्पर्म की तरफ, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी इनके अंदर बढ़ती जाती है, मतलब ये एक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते जाते हैं। जो एल्गी है आपकी वो सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट है, और जो एंजियोस्पर्म है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इन पांचों को आपको एक एक करके अगले चैप्टर में पढ़ना है। तो इस चैप्टर के अंदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर प्लांटी के बारे में यहाँ पर इंट्रोडक्शन के रूप में थोड़ा सा ये बताया हुआ है, और ज्यादा डिटेल में इसको हम अगले चैप्टर में करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट किंगडम पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट किंगडम है एनिमिलिया। तो एनिमिलिया के बारे में भी आपको यहाँ थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में। और अगर आपको डिटेल में एनिमिलिया को पढ़ना है तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम के नाम से ही आपको चैप्टर मिलेगा। तो यहाँ पर हम इसका इंट्रोडक्शन जो दिया है वो पढ़ लेते हैं। तो देखो एनिमिलिया क्या होते हैं, हेटरोट्रोफ्स होते हैं। हेटरोट्रोफ का मतलब होता है कि ये अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये भी, ठीक है ना। मल्टी सेलुलर होंगे सारे के सारे, जितने भी ऑर्गेनिज्म एनिमिलिया किंगडम के अंदर आएंगे वो सब मल्टी सेलुलर होंगे। और जो एनिमल सिंगल सेल के होते हैं वो आपको एनिमिलिया किंगडम के अंदर नहीं मिलेंगे, उनको हमने कहां पर रखा है, प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है ना। जो सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो एनिमिलिया हो, उसको हमने कहां पर रखा है, प्रोटिस्टा के अंदर रखा है। और जो एनिमिलिया होते हैं उनके अंदर आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है, ठीक है ना। प्लांट्स के अंदर सेल वॉल थी अभी बताया मैंने सेलुलोज की, फंजाई में भी सेल वॉल पाई जाती है, काइटिन की सेल वॉल होती है, ठीक है ना, काइटिन और पॉलीसेक्राइड की होती है फंजाई में। और यदि हम देखें मोनेरा को, तो मोनेरा में पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल है, और प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर के पास सेल वॉल हो सकती है और कुछ के पास नहीं भी है। तो एनिमिलिया के अंदर कंप्लीटली सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है। और बच्चों जो स्टोर फूड होता है, ठीक है ना, एनिमिलिया के अंदर वो किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन और फैट के रूप में ये फूड को रिजर्व करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है ना। प्लांट फूड को किस रूप में स्टोर करता है, स्टार्च के रूप में। और एनिमल्स फूड को जो स्टोर करते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में या फैट के रूप में करते हैं। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, और इसमें होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होगा। होलोजोइक का मतलब होता है कि इंजेशन ऑफ फूड होगा, ठीक है ना, आप फूड को अंदर लेंगे, इंटरनल डाइजेशन उस फूड का फिर होगा। दे फॉलो द डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न, और आपको इसमें ग्रोथ पैटर्न देखने को मिलती है, मतलब एनिमिलिया के अंदर एक सर्टेन एज तक ही ग्रोथ होती है, ठीक है ना, उसके बाद ग्रोथ फिर रुक जाती है। और आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही पढ़ा होगा द लिविंग वर्ल्ड के अंदर, कि जो एनिमिलिया होते हैं एनिमल्स के अंदर ग्रोथ कैसी होगी, लिमिटेड ग्रोथ होती है, ठीक है ना, लिमिटेड होती है और डीलोकलाइज्ड ग्रोथ होती है, लिमिटेड और डीलोकलाइज्ड। हर बॉडी पार्ट इंक्रीज करेगा, ग्रोथ होगी हर बॉडी पार्ट में, लेकिन लिमिटेड ग्रोथ होती है, ठीक है। अगले पॉइंट में यहां पर लिखा भी है ग्रो इंटू एडल्ट दैट हैव ए डेफिनेट शेप एंड साइज, है ना, और जब ग्रोथ हो जाती है तो एक डेफिनेट शेप और साइज को ऑक्यूपाई कर लेता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है हायर फॉर्म शो इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर आपको वेल डेवलप्ड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म देखने को मिलता है, और सेंसरी सिस्टम जो है हमारी बॉडी का, ठीक है ना, वो भी वेल डेवलप्ड होता है हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो हायर एनिमल्स है, जैसे कि कॉर्डेट्स हो गए, तो उनके अंदर आपको सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म वेल डेवलप्ड दिखाई देता है। न्यूरोमोटर का मतलब आप यहाँ पे नर्वस सिस्टम से समझ सकते हैं कि यह नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, और मैक्सिमम और ज्यादातर एनिमल्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, लोकोमोशन देखने को मिलेगा। लोकोमोशन हम किसको कहते हैं, स्थान परिवर्तन को, ठीक है ना। जब आप एक जगह से चलकर दूसरी जगह पर पहुंच जाओगे, ठीक है ना, अपने प्लेस को चेंज कर दोगे, तो उसको हम कहेंगे लोकोमोशन। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल के द्वारा कॉपुलेशन होगा। कॉपुलेशन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें मेल पार्टनर के द्वारा, ठीक है ना, मेल गैमेट को फीमेल बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, और एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट आपको इनमें देखने को मिलता है, ठीक है। जब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो जाता है तो जायगोट बनता है, जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने से इन्फेंट या फिर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपका किंगडम एनिमिलिया, और किंगडम एनिमिलिया के अंदर जो फाइलम्स आते हैं, जैसे पोरीफेरा है आपका, सिलेंट्रेटा, निडेरिया, ठीक है ना, तो ये सब हम क्रम वाइज चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे।
तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वायरसेस की। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।